अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद और शाद होंगे। आज सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँगी, ये जो आपको तस्वीर वीडियोस नज़र आ रही है, ये हमारे घर की लिहाज की हैं। आप सभी जानते होंगे जैसे कि कुंडों की लिहाज, जो लोग लिहाज देते हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये टिक्कियाँ और ये भी पूरियाँ हैं, और इसके साथ दो किस्म के हम मसाला बनाते हैं जिनमें लोबिया और चने होते हैं। पूरियाँ हमारे घर की बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी होती हैं। आप सभी लेडीज़ जानती होंगी, जो लोग घर में नियाज देते हैं मोस्टली ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जिनको बड़े अच्छे मतलब पूरियाँ बनानी नहीं आती। कुछ ऐसी होती हैं जिनको बड़ी अच्छी मसाला नहीं बनाना आता, कुछ ऐसी होती हैं जिनको मतलब थोड़े बहुत मसाइल होते हैं ना कि नियाज को तैयार करने के लिए। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप थोड़ा सा मेथड इसमें देख सकते हैं। स्टार्ट में वीडियो में आपने देखा होगा हम लोग इसको सर्व कैसे करते हैं। तब एक कुंडे में हमने पूरियाँ भी आप देख रहे हैं कि कुंडे में डाल रहे हैं हम लोग। ये हलवा भी आप देख रहे हैं कुंडे में डाला। उसके बाद हमने ज़्यादा सारे बादाम लिए, उनको काट के रख लिया एकदम छोटे छोटे, आप जिस तरह से काटा उसको ऊपर डाल दिया, ठीक है। पूरियाँ बहुत ही टेस्टी होती हैं हमारे घर की, और टिक्कियाँ भी बहुत मज़ेदार होती हैं, और उनकी शेप बहुत ज़बरदस्त हम लोग बनाते हैं। उनका टेस्ट इतना खस्ता होता है कि हमारे घर में जो भी नियाज करने आता है वो इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाता। तो आप लोगों से आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि हमारी नियाज पे बनती हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, क्योंकि हम लोग चाट वगैरह भी देते हैं और भी एक दो डिशेस होती हैं जो कि मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, क्योंकि ये हलवा हमने रेडी किया है। इसमें कलर डालते हैं हल्का सा, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपको नज़र आ गया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को इनकी फुल रेसिपी चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे एक मैसेज सेव कर दें, उसके बाद मैं आपको फुल डिटेल में इसकी वीडियो भी डाल दूँगी। क्योंकि ये वीडियो मैं डाल रही हूँ ये है पिछले साल की हमारी नियाज की, और इस साल की जो नियाज मैं दूँगी आप लोगों के मैसेज और आप लोगों के लाइक्स पे डिपेंड करता है। आप लोगों को अगर मेरी घर की नियाज पसंद आई है, आप लोगों को बहुत अगर अच्छी लगी है वीडियो, तो आपको बताते चलूँ कि आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो इस साल की जो भी वीडियो हम लोग इसके 22 या 27 को जो हम नियाज देती हैं उसकी वीडियो फुल तरकीब तरतीब के साथ में आपको, एक तो मैंने वो शेयर करनी है, लेकिन वो मैं फुल डिटेल में आपके से शेयर करूँगी कि हम लोगों का तरीकाकार क्या है इसको बनाने का, इसको पकाने का क्या तरीकाकार है। जैसे कि हम लोग लोबिया चने ऑलरेडी बॉईल करके रख लेते हैं, मसाले हम लोग अलग रेडी करते हैं, और क्या करते हैं कि उसमें हम लोग जो ग्रेवी बना के रखी होती है, मसाले जो बना के रखे होते हैं, उसमें हम बस चने डालते हैं और लोबिया डालते हैं, दम लगाते हैं, हरी मिर्च धनिया वगैरह जो भी डालना हो, ठीक है, तो सब कुछ डाल के हम लोग क्या करते हैं कि उसको दम लगा देते हैं। और क्योंकि हमारी नियाज घर की जो है वो माशाल्लाह पूरा दिन चलती है, इसलिए हम थोड़ी बड़े पैमाने पर नियाज बनाते हैं। और बड़े पैमाने पर नियाज कैसे बनाते हैं ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। इसकी सर्विंग का भी आपको बताऊंगी कि सर्व कैसे करते हैं हम लोग उसको। आटा हम लोग बहुत ज़्यादा जो टिक्कियों का है वो भी ऑलरेडी गूंद के रख लेते हैं, और जो है आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम जैसा हम लोग ये देखें, अपनी ग्रेवी हमने ऑलरेडी कैसे हम लोग तैयार करते हैं ये मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और आटा जो है वो भी हम लोग टिक्कियों का भी गूंद के रख लेते हैं, और दूसरा जो है हम दूसरा आटा भी मैदा जो कि पूरियों में इस्तेमाल होता है वो भी, और सालन की देख रहे हैं आप, हम जैसे जैसे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है हम साथ साथ क्या करते हैं कि वो बॉयल चने या सब कुछ पड़ा था देख रहे हैं आपकी मकदार हमारी के लिए बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरा दिन नियाज चलती है। वीडियो आपको अगर हमारी पसंद आई तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस साल की भी तमाम वीडियोस में इसमें डालूंगी विद तरतीब और तरकीब, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, लाइक कीजिए।